हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज मैं आप सब लोगों के साथ अपना एक नया वीलॉग शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बैंकॉक थाईलैंड में अपना सेकंड डे कैसे गुजारा, मैं कहाँ कहाँ गई और मैंने क्या क्या किया। आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे। अगर आपको थाईलैंड बैंकॉक के वीजा से रिलेटेड, ट्रांजिट से रिलेटेड, या आप अपना शॉर्ट ट्रिप वहां पे कैसे मेमोरेबल और एक्साइटिंग बना सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज शेयर माई वीलॉग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं वीलॉग। What pool opens around 8 in the morning and closes 6 in the evening? Let's go inside with me. Weather of Bangkok was so good today. So, सबसे पहले चलते हैं एंट्रेंस की तरफ और अपना टिकट बाय करते हैं। टिकट की प्राइस थी 200 बात। और यहाँ से आप कपड़े बॉरो कर सकते हो, जिन्होंने स्कर्ट्स और स्लीवलेस ड्रेस पहने हुए हैं वो यहाँ से पहन सकते हैं, क्योंकि टेम्पल में अलाउ नहीं है। सराउंडिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड थे। आज फ्राइडे था तो विजिटर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पे। वट पू जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धा टेम्पल इन थाईलैंड बैंकॉक। वट थाई लैंग्वेज में टेम्पल को कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टैचूज हैं बुद्धा के, और एक एलिफेंट का भी स्टैचू है। यहाँ पे लोग फ्लावर्स लेके प्रेयर कर रहे हैं, अगरबत्तियाँ जला रहे हैं, कैंडल्स जला रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा करीब से स्टैचूज दिखाती हूँ। ये स्मॉल रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू है, और अभी हम जाएंगे अंदर बिग रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टेटस देखने। ये इनका इनसाइड एरिया, यहाँ पे टेम्पल के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये एंट्रेंस का इनसाइड एरिया, और यहाँ पे पूरे टेम्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री लिखी हुई है। और इसके वॉल्स पे काफ़ी प्यारी पेंटिंग्स भी हैं, यहाँ पे भी काफ़ी स्टैचूज हैं। यहाँ पे पूरा मैप है टेम्पल का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आके लोग स्टैचूज़ को फ्लावर्स दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ उनको कॉइन्स वगैरह दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। ये गुड फॉर्चून के लिए करते हैं, ऐसा चैरिटी वगैरह के लिए। यहीं से अंदर से सोविनियर्स बाय कर सकते हैं आप, इन्होंने सोविनियर्स रखे हुए हैं। और फ्लावर, अगरबत्ती, कैंडल्स आप सब बाय कर सकते हैं। सारी मनी यहाँ पे मॉन्क्स के लिए और टेम्पल की मेंटेनेंस के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, चैरिटी पर्पज़ के लिए। बाहर क्राउड ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ पे ये लोग बैग दे रहे थे, इसमें अपने शूज डाल के अंदर अपने साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ से मैंने अपना हैंड सैनिटाइज किया। चलते हैं अंदर लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू को देखने के लिए, जो कि 56 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर हाई है। अंदर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा विजिटर्स थे आज। लोग यहाँ पे फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, मैंने भी कुछ फोटोज़ क्लिक किए यहाँ पे। आई वॉज अमेज टू सी द आर्ट वर्क अराउंड द वॉल्स, रूफ, विंडोज। द पोस्चर ऑफ द इमेज इज रेफर्ड एज सेगासियास, व्हिच मींस अ स्लीपिंग और रिक्लाइनिंग लॉइन। द सोल्स ऑफ द फीट ऑफ द बुद्धा 3 मीटर हाई एंड 4.5 मीटर लॉन्ग, विद 108 पैनल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट सिंबल्स। इट वॉज सो अमेजिंग, आई वॉज स्पीचलेस। बाहर आ गई थी मैं यहाँ से, मैंने पानी लिया और यहाँ से व्यू इंजॉय कर रही थी। आप भी मेरे साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे विजिटर्स थे यहाँ पे, ग्रीनरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है, डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई, और यहाँ पे ये मॉक्स की तस्वीरें थी डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स के साथ। और अब मैं दूसरे एरिया में आ चुकी हूँ, यहाँ पर इनकी शॉप्स हैं, टॉयलेट्स भी हैं, और यहाँ पर शॉप्स के अंदर सोवेनियर्स हैं। यहाँ से फॉरनर्स जब आते हैं यहाँ पर विज़िट करने, तो वो यहाँ से सोवेनियर्स बाय कर सकते हैं, बैंकॉक से रिलेटेड, थाईलैंड से रिलेटेड और इस टेम्पल से रिलेटेड। टेम्पल बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और आप फील कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी वहाँ पे, और मैं बस और बस हैरान होकर इनके आर्ट वर्क को एडमायर कर रही थी। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, वेदर भी बहुत अच्छा था, और मुझे टाइम का पता भी नहीं चल रहा था। मैंने आज ही सारे टेम्पल्स कवर करने थे, क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पर थी। मैं इस एरिया में आ चुकी थी, यहाँ पे भी टेम्पल था, यहाँ पे भी इनका एक बुद्धा का स्टैचू था और लोग प्रेयर कर रहे थे। ये इनका गार्डन एरिया था, जहाँ पे डिफरेंट पोस्चर के स्टैचूज थे। और ये अब मैं राउंड सर्कल लेके दूसरी तरफ आ गई हूँ वट पू के। ये एरिया भी बहुत खूबसूरत था, यहाँ पे भी काफ़ी ग्रीनरी थी और काफ़ी सारे विजिटर्स थे। इनसाइड द टेम्पल यहाँ पे एक थाई ट्रेडिशनल मसाज स्कूल भी था, विच इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल थाई मसाज। वाओ, जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल। ये टेम्पल के सर्विस एंड टूर गाइड के लोग ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर में आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल थे। तो मैं टेम्पल का राउंड लेके दोबारा उसी गार्डन एरिया में आ चुकी हूँ। यहाँ पे ये लेक है, बहुत ही खूबसूरत है, इसके अंदर फिशेज भी थी। वेदर बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। वेलकम टू वट पू लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग फोटोज बनवा रहे थे। काफ़ी देर चलते चलते टेम्पल के अंदर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। टेम्पल के सामने ही इनकी फूड स्ट्रीट थी, जहाँ पर इनके ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल मेडिसन और बहुत सारी चीज़ें थी जो आप बाय कर सकते थे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। मैंने ये न्यूटेला पराठा इन्जॉय किया वहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का था।
जब भी आप लोग थाईलैंड आए, थाईलैंड का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करें। अब मैं आ गई थी माय कैफे पर, यहाँ से मैंने थाई मिल्क टी ऑर्डर की। द टेस्ट वॉज सो गुड इन वेरी रीजनेबल प्राइस। आई होप आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा होगा, और जब भी थाईलैंड बैंकॉक जाएं डू विजिट दिस टेम्पल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।